Hello friends, welcome to Power Electronics class. In this session, I will discuss another member of thyristor family, that is GTO. Thyristor क्या है? Family of devices है, जिसमें different members है, ठीक है? जैसे SCR, GTO, Triac, DIAC, RCT, etc. ठीक है? तो जो सबसे important part था इसका SCR, जिसको हमने deeply discuss किया. तो दूसरा जो member है थायरिस्टर फैमिली का वो क्या है GTO गेट टर्न ऑफ. तो SCR को हम लोग पॉजिटिव गेट करंट अप्लाई करके टर्न ऑन तो कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव गेट करंट अप्लाई करके हम लोग SCR को टर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं. लेकिन GTO को हम लोग नेगेटिव गेट करंट अप्लाई करके टर्न ऑफ कर सकते हैं. टर्न ऑन प्रोसेस SCR और GTO का क्या है? सेम है. लेकिन डिफरेंस कहां पर है SCR और GTO में कि SCR को हम नेगेटिव गेट करंट अप्लाई करके टर्न ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन GTO को हम लोग नेगेटिव गेट करंट अप्लाई करके टर्न ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, सो GTO दैट इज गेट टर्न ऑफ. तो GTO क्या है? Another member है. किस family का? Thyristor family का. ठीक है, SCR और GTO का turn on process क्या है? Same है. By applying positive gate current, SCR और GTO को हम क्या कर सकते हैं? Turn on कर सकते हैं. By applying नेगेटिव गेट करंट टू GTO इट कैन बी टर्न ऑफ. GTO को नेगेटिव गेट करंट अप्लाई करके हम टर्न ऑफ कर सकते हैं, लेकिन SCR को हम नेगेटिव गेट करंट अप्लाई करके टर्न ऑफ नहीं कर सकते. बाय अप्लाइंग नेगेटिव गेट करंट टू SCR इट कांट बी टर्न ऑफ. द सिंबल ऑफ GTO इज लाइक दिस. This is anode terminal, this is cathode terminal, this is gate terminal. Positive gate current apply करके हम लोग GTO को turn on कर सकते हैं और negative gate current apply करके GTO को हम लोग turn off कर सकते हैं. एक तो ये symbol है, या फिर दूसरा symbol GTO का कुछ ऐसा है. दिस इज एनो, दिस इज कैथोड, दिस इज गेट. दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन SCR एंड GTO. This is structure of GTO. GTO is also PNP, PNPN device. This is anode terminal. GTO भी क्या है? PNPN डिवाइस है. ठीक है,
This is cathode. This is cathode terminal. And this one is gate terminal. Okay, तो ये क्या हो गया GTR का, जिसे हम लोग नेगेटिव गेट करंट देकर टर्न ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, तो GTR भी क्या है? PN डिवाइस, PN डिवाइस. ठीक है, आप देख सकते हो N लेयर क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है. ये N प्लस और N माइनस लेयर क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है. प्लस मींस हैवली डोप्ड एंड माइनस मींस लाइटली डोप्ड. अगर इस GTO का हम लोग कंपैरिजन करें SCR के साथ, तो SCR का जो गेट टर्मिनल होता है, ठीक है, गेट टर्मिनल कहां पर होता है? पी लेयर के अराउंड. एससीआर का गेट टर्मिनल किसके पास होता है? पी लेयर के अराउंड. ठीक है, तो एससीआर का जो गेट टर्मिनल है, जो पी लेयर है, वो क्या होती है? लाइटली डोप्ड होती है. लेकिन जीटीओ का जो गेट टर्मिनल है, तो गेट टर्मिनल है दैट इज हैवली डोप्ड. ठीक है, जो गेट है वो क्या होता है? हैवी डोप्ड होता है. ठीक है, पॉजिटिव मींस हैवी डोप्ड एंड नेगेटिव मींस लाइटली डोप्ड. ठीक है, एज कंपेयर टू एससीआर, जीटीओ का जो गेट टर्मिनल है ये क्या है? इसके पास कौन सी लेयर है? पी लेयर है. और ये क्या है? हैवी डोप्ड है. ये पी लेयर क्या है? हैवी डोप्ड है. एज कंपेयर टू एससीआर. ठीक है, आप देख सकते हो ये एन लेयर और ये एन लेयर क्या है? शॉर्ट सर्किटेड है. इसे हम लोग बोलते हैं एनोड शॉर्ट सर्किटेड. ठीक है, ये N प्लस और N माइनस लेयर क्या है? शॉर्ट है. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड शॉर्ट सर्किट. ठीक है, तो SCR का टर्न ऑन प्रोसेस और GTO का टर्न ऑन प्रोसेस लगभग क्या है? सेम है. ठीक है, बट टर्न ऑफ प्रोसेस क्या है? डिफरेंस है. SCR को हम लोग नेगेटिव गेट करंट अप्लाई करके टर्न ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन GTO को हम लोग नेगेटिव गेट करंट प्रोवाइड करके टर्न ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें SCR की, तो जब एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू SCR में लैचिंग करंट से ज्यादा हो जाती है, IL क्या है? लैचिंग करंट. तो हम लोग गेट ड्राइव सर्किट को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं. जब एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट से क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है. तो हम लोग क्या कर देते हैं? गेट करंट को क्या कर देते हैं? जीरो कर देते हैं. लेकिन GTO के केस की अगर हम बात करें, ठीक है, जब GTO क्या हो जाता है? टर्न ऑन. GTO क्या हो जाता है? टर्न ऑन. तो गेट करंट को हम लोग जीरो नहीं करते हैं. गेट करंट का मैग्नीट्यूड तो हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन गेट करंट को हम लोग जीरो नहीं करते हैं. दैट इज आईजी विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. कब? जब जीटीओ हमारा क्या हो जाता है? टर्न ऑन हो जाता है. लेकिन
जब SCR ऑन हो जाता है, दैट इज जब एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू जब लैचिंग करंट से ज्यादा हो जाती है, तो SCR हमारा क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है और हम लोग गेट ड्राइव सर्किट को क्या कर देते हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग गेट ड्राइव सर्किट को टर्न ऑफ कर देते हैं, हटा देते, गेट करंट क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, तो SCR में गेट पावर लॉस क्या होती है, गेट ड्राइव सर्किट पावर लॉस क्या होती है, कम होती है। गेट ड्राइव सर्किट पावर लॉस क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि SCR को टर्न ऑन होने के बाद हमने गेट सप्लाई को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। लेकिन GTO में टर्न ऑन होने के बाद भी गेट सप्लाई को हम रिमूव नहीं करते, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो जब गेट करंट जीरो नहीं है टर्न ऑन होने के बाद भी, तो गेट ड्राइव सर्किट का पावर लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा, किसमें, GTO में एज कंपेयर टू SCR। ओके, देयरफॉर गेट ड्राइव पावर लॉस किसमें ज्यादा होगा, GTO में एज कंपेयर टू गेट ड्राइव पावर लॉस इन SCR। ठीक है, क्योंकि SCR में गेट करंट के तो हम रिड्यूस जीरो कर देते हैं, लेकिन यहां पर GTO के केस में हम लोग गेट करंट को जीरो नहीं करते हैं। ठीक है, SCR की जो करंट रेटिंग होती है वो कितनी होती है, अबाउट 3 किलो एम्पियर। ठीक है, और वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है, अबाउट 10 किलो वोल्ट। तो SCR की बात हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें GTO की, तो GTO की करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, एज कंपेयर टू SCR कम होती है। GTO की करंट रेटिंग होती है अराउंड 1.5 किलो एम्पियर। ठीक है, और इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है अबाउट 2.5 किलो वोल्ट। तो SCR की रेटिंग क्या होती है, वोल्टेज और करंट रेटिंग एज कंपेयर टू GTO क्या होती है, SCR की रेटिंग क्या होती है, ज्यादा, और GTO की रेटिंग क्या होती है, कम। दिस इज करंट रेटिंग ऑफ SCR एंड दिस इज वोल्टेज रेटिंग ऑफ SCR। सॉरी, दिस इज करंट रेटिंग ऑफ GTO एंड दिस इज वोल्टेज रेटिंग ऑफ GTO। ठीक है, तो हमें पता क्या चला कि GTO की वोल्टेज और करंट रेटिंग एज कंपेयर टू SCR क्या होती है, कम होती है। ठीक है, देयरफॉर एनोड टू कैथोड वोल्टेज ऑफ GTO इज लेस देन एनोड टू कैथोड वोल्टेज ऑफ SCR। ठीक है, और एनोड टू कैथोड करंट ऑफ GTO इज लेस देन एनोड टू कैथोड करंट ऑफ SCR। ठीक है, GTO को टर्न ऑन करने के लिए गेट करंट जो रिक्वायर्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गेट करंट रिक्वायर्ड इन SCR टू टर्न ऑन द डिवाइस। ठीक है, गेट करंट ज्यादा होती है किसमें, GTO में,
compared to gate current required in SCR. ठीक है, GTO को turn on करने के लिए, ठीक है, तो गेट करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो रिक्वायर्ड क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एससीआर. ठीक है, और दोनों ही डिवाइस को टर्न ऑन करने के लिए कैसी करंट चाहिए, पॉजिटिव करंट. ठीक है, तो जैसा कि जीटीओ में करंट रिक्वायर्ड क्या है, गेट करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, तो पावर लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है, और अगर हम बात करें एससीआर की, तो एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए गेट करंट का मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है वो क्या है, कम है, तो पावर लॉस क्या होगा, कब होगा, किसमें, एससीआर. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू टर्न ऑफ द जीटीओ, अगर हमें जीटीओ क्या करना है, टर्न ऑफ करना है, तो हम इसे टर्न ऑफ कैसे करेंगे, बाय अप्लाई नेगेटिव गेट करंट. ठीक है, और इस नेगेटिव गेट करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा करीब 20-30% ऑफ जीटीओ करंट रेटिंग. अगर हमें जीटीओ क्या करना है, टर्न ऑफ, तो हम कैसे करेंगे, बाय अप्लाई नेगेटिव गेट करंट, और इस नेगेटिव गेट करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 20-30% ऑफ करंट रेटिंग ऑफ जीटीओ. दिस इज वेरी हाई करंट रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ द जीटीओ. तो नेगेटिव गेट करंट जो रिक्वायर्ड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा टू टर्न ऑफ द जीटीओ. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए हमें एससीआर को क्या करना पड़ता है, रिवर्स बाइस्ड. एससीआर को टू टर्न ऑफ द एससीआर, टू टर्न ऑफ द एससीआर वी हैव टू रिवर्स बाइस द एससीआर. ठीक है, टू टर्न ऑफ द जीटीओ, अगर हमें जीटीओ क्या करना है, टर्न ऑफ करना है, तो जीटीओ को हमें रिवर्स बायस करने की जरूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि जीटीओ को हम लोग नेगेटिव गेट करंट प्रोवाइड करके टर्न ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, टू टर्न ऑफ द जीटीओ वी डोंट रिक्वायर रिवर्स बायस. हमें अगर जीटीओ क्या करना है, टर्न ऑफ करना है, तो हमें जीटीओ को रिवर्स बायस करने की जरूरत नहीं है. जीटीओ कैसे टर्न ऑफ हो जाता है, बाय अप्लाई नेगेटिव गेट करंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर एससीआर को टर्न ऑफ करना है, तो एससीआर को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स बायस. लेकिन अगर हमें जीटीओ को टर्न ऑफ करना है, तो हमें जरूरत नहीं है जीटीओ को रिवर्स बायस करने की. जीटीओ कैसे टर्न ऑफ हो जाता है, बाय अप्लाई नेगेटिव गेट करंट. ठीक है, तो यहां पर हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया. अगर हम बात करें शॉपर्स और इन्वर्टर्स,
चॉपर और इन्वर्टर का इनपुट क्या होता है? डीसी। चॉपर और इन्वर्टर का इनपुट क्या होता है? डीसी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, डिवाइस को टर्न ऑफ करने का जो प्रोसीजर है या प्रोसेस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन। ठीक है, तो कन्वर्टर एसी वोल्टेज कंट्रोलर अगर हमारे डिवाइस है तो उसका इनपुट क्या होता है? एसी। तो वहां पर नेचुरली कम्यूटेशन पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन जहां पर जिस डिवाइस का इनपुट क्या है? डीसी, जैसे कि चॉपर और इन्वर्टर। ठीक है, तो अगर हम एससीआर की बात करें तो हमें चॉपर और इन्वर्टर को टर्न ऑफ करने के लिए एक्सटर्नल सर्किट की जरूरत पड़ेगी। दैट इज, हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कम्यूटेशन सर्किट टू टर्न ऑफ द एससीआर। ठीक है, तो चॉपर और अगर इन्वर्टर की बात करें तो हमें अगर चॉपर इन्वर्टर को क्या करना है? टर्न ऑफ करना है। टू टर्न ऑफ इट, ठीक है, वी मस्ट बी अप्लाइड रिवर्स बायस टू डिवाइस। अगर हमें चॉपर इन्वर्टर को क्या करना है? पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को क्या करना है? टर्न ऑफ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइस को रिवर्स बायस करना पड़ेगा। ठीक है, चॉपर इन्वर्टर का इनपुट क्या है? डीसी है। तो यहां पर डिवाइस नेचुरली रिवर्स बायस नहीं होगी, तो यहां पर हम नेचुरल कम्यूटेशन का यूज नहीं कर पाते। हमें यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा? फोर्स्ड कम्यूटेशन। हमें इन डिवाइस को यूज करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? फोर्स्ड कम्यूटेशन। ठीक है, हमें डिवाइस को एक्सटर्नल सर्किट के हेल्प से, ठीक है, दैट इज कम्यूटेशन सर्किट के हेल्प से इन डिवाइस को हम क्या करेंगे? रिवर्स बायस। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कम्यूटेशन सर्किट विच विल रिवर्स बायस द डिवाइस। हम किस डिवाइस की बात कर रहे हैं? चॉपर और इन्वर्टर की। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करना पड़ेगा? फोर्स्ड कम्यूटेशन। तो एक्सटर्नली हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कम्यूटेशन सर्किट, जो कि इन डिवाइस को क्या करेगा? रिवर्स बायस। तो ओवरऑल सिस्टम का साइज और वेट क्या हो जाएगा? साइज, वेट और कॉस्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन जीटीओ को टर्न ऑफ करने के लिए हमें रिवर्स बायस करने की जरूरत नहीं है। जीटीओ कैसे टर्न ऑफ हो जाता है? बाय अप्लाइंग नेगेटिव गेट करंट। ठीक है, तो ये हम लोग कहां पर बात कर रहे हैं? अगर चॉपर और इन्वर्टर में हम लोग क्या यूज करें? एससीआर को। अगर चॉपर और इन्वर्टर में हम लोग क्या यूज करें? एससीआर। ठीक है, तो एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कम्यूटेशन सर्किट। ठीक है, जो कि इस एससीआर को क्या कर देगा? रिवर्स बायस। तो ओवरऑल सिस्टम का साइज, वेट और कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, कब? जब चॉपर और इन्वर्टर को हम लोग किसकी हेल्प से बनाएंगे? एससीआर की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें चॉपर और इन्वर्टर को हम किसकी हेल्प से बनाए? जीटीओ की हेल्प से बनाए। अगर हम लोग चॉपर और इन्वर्टर को किसकी हेल्प से बनाए? जीटीओ की हेल्प से। ठीक है, तो चॉपर और इन्वर्टर को टर्न ऑफ करने के लिए, दैट इज जीटीओ को टर्न ऑफ करने के लिए हमें रिवर्स बायस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
ठीक है, टू टर्न ऑफ GTO, ठीक है, वी डोंट रिक्वायर रिवर्स बायस, ठीक है। तो क्या हमें कम्यूटेशन सर्किट की जरूरत पड़ेगी क्या चॉपर और इन्वर्टर में? नो, देयरफॉर कम्यूटेशन सर्किट इज नॉट रिक्वायर्ड। कम्यूटेशन सर्किट काम क्या होता है? डिवाइस को रिवर्स बायस करना। और भाई GTO तो क्या है? GTO को हम लोग नेगेटिव गेट करंट अप्लाई करके क्या कर सकते हैं? टर्न ऑफ। तो रिवर्स बायस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब रिवर्स बायस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यहां पर हमें कम्यूटेशन सर्किट की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल कॉस्ट, साइज और वेट ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए चॉपर और इन्वर्टर को बनाने के लिए हम लोग GTO को प्रिफर करते हैं एज कंपेयर टू SCR। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग चॉपर और इन्वर्टर को SCR की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है, तो SCR को टर्न ऑफ करने के लिए हमें रिवर्स बायस अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चॉपर और इन्वर्टर इनपुट क्या है? डीसी है। तो रिवर्स बायस अप्लाई करने के लिए हमें एक्सटर्नल सर्किट की जरूरत पड़ेगी। दैट इज हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? अगर हम लोग चॉपर इन्वर्टर किससे बनाते हैं? SCR से। कम्यूटेशन सर्किट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग चॉपर इन्वर्टर को किसकी हेल्प से बनाते हैं? SCR की हेल्प से, ठीक है। तो GTO को हमें टर्न ऑफ करने के लिए रिवर्स बायस नहीं करना पड़ता है। GTO को हम टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं? बाय अप्लाई नेगेटिव गेट करंट, ठीक है। तो ओवरऑल कॉस्ट, साइज और वेट क्या हो जाएगा? GTO का कम हो जाएगा, ठीक है। GTO और SCR की फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक क्या है? सेम है, दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की जो पार्ट है वो क्या है? सेम है। लेकिन GTO की जो रिवर्स बायस मोड की करेक्टरिस्टिक है वो एज कंपेयर टू SCR क्या है? डिफरेंट है। दिस इज एनो टू कैथोड वोल्टेज फॉरवर्ड बायस, दिस इज एनो टू कैथोड वोल्टेज रिवर्स बायस, दिस इज फॉरवर्ड करंट, दिस इज रिवर्स करंट, ठीक है। तो SCR की फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे होती है। ये क्या हो गया? फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। ये क्या हो गया? रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है। SCR की अगर हम बात करें, SCR का ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज और रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज लगभग क्या होता है? बराबर होता है। SCR का फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज और रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन GTO का रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज बहुत कम होता है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। अगर मैं GTO की बात करूं तो GTO का रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज बहुत कम होता है एज कंपेयर टू इट्स फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो SCR और GTO की फॉरवर्ड जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है? सिमिलर है, ठीक है। लेकिन
GTO की जो रिवर्स बायस कंडीशन में करैक्टरिस्टिक है वो क्या है, डिफरेंट है। ये रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज हो गया GTO पर, और ये रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज किसका है, SCR पर, ठीक है। SCR और GTO की फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक लगभग क्या है, लगभग सिमिलर है। हो गई SCR ब्लैक वाली, और ये रेड वाली करैक्टरिस्टिक किसकी हो गई, GTO की। तो SCR और GTO की फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक क्या है, लगभग सिमिलर है। लेकिन SCR और GTO की रिवर्स करैक्टरिस्टिक में क्या है, डिफरेंस। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि SCR का फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज और रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज लगभग क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन GTO का रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज एज कंपेयर टू फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज बहुत कम होता है। तो GTO जैसे ही क्या होगा, रिवर्स बायस वो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, कंडक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो GTO की रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी, GTO की रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू SCR। द रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी ऑफ GTO is very small as compared to reverse blocking capacity of SCR, ठीक है। रिवर्स ब्रेक डाउन, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ GTO इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ SCR। दिस इज ड्रॉबैक ऑफ GTO। फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक तो सेम है, लेकिन रिवर्स करैक्टरिस्टिक क्या है, डिफरेंस है। ओके, GTO को टर्न ऑफ होने में लगने वाला समय क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू टर्न ऑफ टाइम ऑफ SCR। GTO का जो टर्न ऑफ टाइम होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू टर्न ऑफ टाइम ऑफ SCR। GTO as compared to SCR जल्दी टर्न ऑफ हो जाता है, इसीलिए इसकी स्विचिंग स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। स्विचिंग स्पीड ऑफ GTO इज ग्रेटर देन स्विचिंग स्पीड ऑफ SCR, या फिर क्या बोले,
कि GTO हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकता है एज कंपेयर टू SCR. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन एट विच GTO कैन ऑपरेट विल बी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी एट विच SCR कैन ऑपरेट. ठीक है, तो GTO की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? GTO हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या कर सकता है? ऑपरेट कर सकता है एज कंपेयर टू SCR. GTO क्या है? जल्दी जल्दी टर्न ऑन ऑफ हो सकता है एज कंपेयर टू SCR. दिस इज वेरी बिग एडवांटेज. ओके, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट GTO का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू SCR. लैचिंग करंट ऑफ GTO इज ग्रेटर देन द लैचिंग करंट ऑफ SCR. सिमिलरली होल्डिंग करंट ऑफ GTO इज greater than the holding current of SCR. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है SCR और GTO में. GTO का एडवांटेज क्या हो गया? एडवांटेजेस ऑफ GTO. स्विचिंग स्पीड और फ्रीक्वेंसी GTO की क्या होती है? हाई होती है एज कंपेयर टू SCR. GTO को हम लोग जल्दी जल्दी टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं एज कंपेयर टू SCR. ठीक है, स्विचिंग स्पीड और फ्रीक्वेंसी ऑफ GTO क्या होती है? हाई होती है. ठीक है, GTO को हम लोग नेगेटिव गेट करंट अप्लाई करके टर्न ऑफ कर सकते हैं. बाई अप्लाई नेगेटिव गेट करंट इट कैन बी टर्न ऑफ. अगर GTO को हम लोग कहां पर यूज करें? चॉपर और इन्वर्टर को बनाने में. ठीक है, तो हमें क्या रिवर्स बायस करने की जरूरत है क्या GTO को टर्न ऑफ करने के लिए? नहीं, बाय अप्लाइंग नेगेटिव गेट करंट GTO क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ. तो क्या चॉपर और इन्वर्टर को हम लोग अगर GTO के हेल्प से बनाए तो कम्यूटेशन सर्किट की यूज करना पड़ेगा क्या हमको? नहीं. तो ओवरऑल साइंस कॉस वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमें कम्यूटेशन सर्किट यूज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी डोंट रिक्वायर कम्यूटेशन सर्किट टू टर्न ऑफ GTO. ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ एडवांटेज हैं GTO के. एक बात और, GTO की DI/DT रेटिंग एज कंपेयर टू SCR क्या होती है? ज्यादा होती है. DI/DT रेटिंग ऑफ GTO इज मोर एज कंपेयर टू SCR. GTO की DI/DT रेटिंग एज कंपेयर टू SCR क्या होती है? ज्यादा होती है.
सर्च करंट रेटिंग भी जीटीओ का ज्यादा होता है, सर्च करंट रेटिंग ऑफ जीटीओ इज मोर एज कंपेयर टू एससीएल। तो ये कुछ एडवांटेज हैं जीटीओ की ओवर एससीएल। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जीटीओ की डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज ऑफ जीटीओ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेट ड्राइव पावर लॉस क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एससीआर। क्यों? क्योंकि गेट करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू एससीआर। जीटीओ को टर्न ऑन करने के लिए जो गेट करंट रिक्वायर्ड है वो क्या है, बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो गेट करंट रिक्वायर्ड है किसमें, एससीआर में। तो पावर लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होता है, ज्यादा होता है जीटीओ में एज कंपेयर टू एससीआर। ठीक है, जीटीओ की रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एससीआर। रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, ओनली 30-40 volt। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है जीटीओ के। ओके, चार्ट बनाते हैं हम लोग, इधर जीटीओ हो गया और इधर क्या हो गया, एससीआर। जीटीओ की करंट रेटिंग क्या होती है, कम होती है। वोल्टेज रेटिंग में क्या होती है, कम होती है। ये अराउंड किसके होती है, इट इज बिटवीन 0-1.5 kA। ठीक है, रेटेड करंट कितनी होती है, अबाउट 1.5 kA, और एनोड रेटेड वोल्टेज कितना होता है, अबाउट 2.5 kV। एससीआर की रेटेड करंट किस रेंज में होती है, अबाउट 3 kA। रेटेड वोल्टेज क्या होता है, अराउंड 10 kV। एससीआर का रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जीटीओ। लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट जीटीओ क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एससीआर। एससीआर की लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसकी रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, और इसकी रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है।
GTO रिवर्स वोल्टेज को ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता है, ठीक है। लो रिवर्स वोल्टेज पर ही GTO क्या कर जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है, और SCR को रिवर्स ब्रेक डाउन करवाने के लिए जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। नेगेटिव गेट करंट अप्लाई करके हम लोग GTO क्या कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं, लेकिन SCR को नेगेटिव गेट करंट अप्लाई करके हम लोग टर्न ऑफ नहीं कर सकते। SCR कैन नॉट बी टर्न ऑफ, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन GTO एंड SCR। हमने SCR का टू ट्रांजिस्टर मॉडल पढ़ा है, तो सिमिलरली टू ट्रांजिस्टर मॉडल GTO का भी होगा, ठीक है। टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ GTO, ठीक है। GTO और SCR का टर्न ऑन प्रोसेस क्या है, बिल्कुल लगभग सिमिलर है, ठीक है। लेकिन जो टर्न ऑफ मैकेनिज्म है GTO का वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू SCR। तो टू ट्रांजिस्टर मॉडल में दो ट्रांजिस्टर हम लोग लेते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा क्या होता है, एनपी एन ट्रांजिस्टर। तो हम लोग सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे, टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ GTO। पी एन पी ट्रांजिस्टर, ठीक है, एंड दिस इज एन पी एन ट्रांजिस्टर। तो आप लोग टू ट्रांजिस्टर मॉडल SCR का रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। वो मैं पढ़ा, पहले आपको पढ़ा चुका हूं। ये क्या हो गया, गेट टर्मिनल दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, ठीक है, दिस इज गेट टर्मिनल। तो अगर हमें GTO को क्या करना है, टर्न ऑफ करना है, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, नेगेटिव गेट करंट। तो पॉजिटिव गेट करंट की डिडक्शन किधर होगी, इधर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हमें GTO क्या करना है, टर्न ऑफ, तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव गेट करंट। तो डायरेक्शन क्या होगी, गेट करंट डायरेक्शन आउटवर्ड, ठीक है। दिस इज ट्रांजिस्टर वन, दिस इज ट्रांजिस्टर टू। ये ट्रांजिस्टर टू का क्या है, बेस है। ये ट्रांजिस्टर टू का क्या है, कलेक्टर है। ये ट्रांजिस्टर टू का क्या है, इमिटर है। ये क्या हो गई, आई सी टू। ये क्या हो गया, IE2 इक्वल टू कैथोड करंट, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर क्या है, वन। ये ट्रांजिस्टर वन का बेस है, ये ट्रांजिस्टर वन का कलेक्टर है, और ये ट्रांजिस्टर वन का क्या है, इमिटर है, ठीक है। सो दिस इज बेस करंट, जो ट्रांजिस्टर वन की बेस करंट है वही ट्रांजिस्टर टू की क्या है, कलेक्टर करंट है, ठीक है। तो अगर हमें GTO क्या करना होता है, टर्न ऑफ, तो क्या करते हैं, पॉजिटिव गेट करंट अप्लाई करते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लीज रिफर टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR। यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि GTO को हम टर्न ऑफ कैसे करेंगे।
तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? नेगेटिव गेट करंट. ठीक है, दिस इज इमिटर करंट और यही हमारी क्या है, एनोड करंट है. ठीक है, ये ट्रांजिस्टर वन की क्या हो गई, कनेक्टर करंट हो गई. ठीक है, तो जब हम GTO को क्या करना चाहेंगे, टर्न ऑफ, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव गेट करंट अप्लाई करेंगे. ठीक है, टर्न ऑफ GTO हम क्या अप्लाई करेंगे, नेगेटिव गेट करंट. तो करंट कहां फ्लो करेगी, आउटवर्ड. ठीक है, तो बेस करंट जब ऑन था तो बेस करंट डायरेक्शन क्या थी, इन थी. बेस करंट डायरेक्शन क्या थी, इन थी. ड्यूरिंग टर्न ऑन टाइम बेस करंट की डायरेक्शन क्या थी, इन थी. इसे मैं क्या बोला, पॉजिटिव. लेकिन हमें क्या करना है, GTO क्या करना है, टर्न ऑफ. तो बेस करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटवर्ड, दैट इज नेगेटिव करंट. ठीक है, तो जब हमें ऑन करना था तो ये क्या होगा, पॉजिटिव. ऑफ करना है तो करंट क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि गेट करंट क्या है, नेगेटिव है. सो व्हाट विल बी बेस करंट, इट विल बी नेगेटिव. और ट्रांजिस्टर टू की बेस करंट क्या होगी, विल बी लेस देन जीरो. तो ये ट्रांजिस्टर टू किस मोड में चला जाएगा, कट ऑफ मोड में. देयरफॉर ट्रांजिस्टर टू, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर किस मोड में चला जाएगा, कट ऑफ मोड में. पहले क्या था, ट्रांजिस्टर ऑन था, जब SCR या फिर क्या कहें, GTO क्या था, टर्न ऑन था. ठीक है, लेकिन जब गेट करंट नेगेटिव हुआ तो इसकी बेस करंट में क्या हो गई, नेगेटिव. और जब बेस करंट नेगेटिव हो गई तो ये ट्रांजिस्टर किस में चला गया, कट ऑफ मोड में. ठीक है, जब ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में चला गया, दैट इज इसकी बेस करंट क्या करेगी, रिड्यूस. और अगर इसकी बेस करंट रिड्यूस करेगी तो बेस करंट क्या करेगी, रिड्यूस. अगर बेस करंट रिड्यूस करेगी तो व्हाट विल बी कलेक्टर करंट ऑफ दिस ट्रांजिस्टर. इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट भी क्या करेगी, रिड्यूस करेगी. अगर इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट रिड्यूस हो रही है तो जो ट्रांजिस्टर टू की कलेक्टर करंट है वही ट्रांजिस्टर वन की क्या है, बेस करंट. तो ट्रांजिस्टर वन का बेस करंट भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. और अगर ट्रांजिस्टर वन का बेस करंट भी रिड्यूस करेगा तो ट्रांजिस्टर वन की कलेक्टर करंट भी क्या करेगी, रिड्यूस करेगा. और अगर ट्रांजिस्टर वन की कलेक्टर करंट भी रिड्यूस करेगी तो ट्रांजिस्टर वन की कलेक्टर करंट ट्रांजिस्टर टू की बेस करंट को फिर से क्या कर देगा, और कम कर देगा. इसे क्या कर देगा, और कम. अगर ट्रांजिस्टर टू की बेस करंट कम हो गई तो ये फिर से क्या कर देगा, ट्रांजिस्टर टू की कलेक्टर करंट को फिर से क्या कर देगा, रिड्यूस. अगर ट्रांजिस्टर वन की कलेक्टर करंट कम हो गई तो ये करंट इस ट्रांजिस्टर की बेस करंट को और क्या कर देगा, रिड्यूस. ठीक है, और अगर ट्रांजिस्टर वन टू की बेस करंट और रिड्यूस कर गई है तो ट्रांजिस्टर टू कलेक्टर करंट और क्या हो जाएगी, और कम. तो ये ट्रांजिस्टर वन की बेस करंट को और क्या कर देगा, और कम. तो ये ट्रांजिस्टर वन की कलेक्टर करंट को क्या कर देगा, और रिड्यूस. तो फिर से ये ट्रांजिस्टर टू की बेस करंट को और क्या कर देगा, रिड्यूस. सो देयर विल बी कम्युलेटिव प्रोसेस. ठीक है, दैट इज देयर इज रीजनरेटिव एक्शन इन GTO.
ट्रांजिस्टर 2 की बेस करंट ट्रांजिस्टर 1 की कलेक्टर करंट को घटाता है और ट्रांजिस्टर 1 की कलेक्टर करंट ट्रांजिस्टर 2 की बेस करंट को रिड्यूस करता है. तो देयर इज रीजेनरेटिव एक्शन इन GTO जैसा कि टर्न ऑन प्रोसेस में था. ठीक है, सो देयरफॉर ड्यू टू दिस रीजेनरेटिव एक्शन, ठीक है, GTO विल टर्न ऑफ बाय अप्लाई नेगेटिव गेट करंट. करंट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. और अगर करंट रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों ट्रांजिस्टर क्या हो जाएंगे? टर्न ऑफ, दैट इज GTO विल गेट टर्न्स ऑफ. ठीक है, आपने जैसा कि देखा कि अगर हमने नेगेटिव गेट करंट अप्लाई किया तो ट्रांजिस्टर 2 की बेस करंट क्या हो गई? नेगेटिव हो गई. मतलब ट्रांजिस्टर 2 किस मोड में चला गया? कट ऑफ मोड में. मतलब ये किधर बढ़ रहा है? टर्न ऑफ होने की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है, और आप क्या देख रहे हैं? जब बेस करंट रिड्यूस होती है, ठीक है, तो कलेक्टर करंट भी क्या हो रही है? रिड्यूस. IBTU रिड्यूस हुआ तो ट्रांजिस्टर 2 की कलेक्टर करंट भी क्या कर गई? रिड्यूस. जिसने कि ट्रांजिस्टर 1 की बेस करंट को भी क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया है. ठीक है, तो इसका मतलब Q1 भी क्या हो जाएगा एक टाइम के बाद? किस मोड में चला जाएगा? कट ऑफ मोड में. ठीक है, ये करंट घटते घटते क्या हो जाएगी? नेगेटिव. ये करंट घटते घटते क्या हो जाएगी? नेगेटिव. मतलब ट्रांजिस्टर 2 भी किस में चला जाएगा? कट ऑफ मोड में. ठीक है, ट्रांजिस्टर 1 और 2 दोनों किस में चला गया? कट ऑफ में. ठीक है, देयरफॉर GTO विल गेट टर्न ऑफ.